Hello everyone, welcome once again, and today we will be a continuation to discuss about organic nutrient resources and its fortification, which comes under organic farming. So under this, under organic nutrient resources, we will learn about first thing, that is you
widely used is ज्यादातर यूज होता है ठीक है which comes from procurement manual तो वो है फार्मिया मैनियर सबसे पहला दूसरा है कंपोस्ट और तीसरा है ग्रीन मैनियर ओके नाउ यस widely used something सो यूज ऑफ बल्कि जो ये यूज है ना इसके भी एडवांटेजेस होते हैं सो क्या क्या एडवांटेजेस है अभी Yes.
type of onion. So even jo plant parasites nematodes se attack kar jaye wo under control hai, aisa nahi ki pura matlab khatam kar dega, but they will be under control, they won't affect the soil or they won't affect the plant much. So yes, again balance ho jata hai, the microorganism jo present hota hai soil mein wo balance ho jata hai. Okay, so these are some of the importance of soil, about the organic matter. So next we'll discuss about this one, concentrated, this one found in organic matter. So now next we will discuss about this one, found in organic matter. So we have iske bare mein parha tha, discuss kiya tha bulky, bulky ke bare mein, bulky organic matter. So now we'll discuss about which comes under bulky, that is फैमिलियर मैनियर. सो फैमिलियर मैनियर रिफर्स टू व्हाट, किसको रिफर करता है, जो डिकम्पोज होता है ना, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज मिक्सचर, मिक्सचर किसका, मिक्सचर काउडर का, यूरिन का, एंड इवन दिस वन जो चलाते हैं ना, यूज टू गिव यू फीड द कैटल और द काउडर, तो जो वेस्ट जो रहता है उसको कलेक्ट करके, लाइक यू यूज टू यू मिक्स इट विद काउ डंग एंड फ्रॉम यूरिन. ओके, सो फ्रॉम दैट आल्सो यू कैन, दैट आल्सो इट्स कॉल्ड फार्मियर मैनियर. ओके, सो सी आई विल रीड आउट. ओके, फार्मियर मैनियर रिफर टू द डिकम्पोज मिक्सचर, डिकम्पोज मिक्सचर ऑफ व्हाट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म में आप यूज करते हो ना, सो यू विल एंड ऑफ आर एनिमल्स, ये बस स्लो फार्म एनिमल्स के लिए है. ठीक है, फार्म एनिमल्स अलोंग विद लिटर एंड लेफ्ट ओवर मटीरियल फ्रॉम रफेज और फोडर, फोडर ठीक है, फोडर क्या होता है, चारा, ठीक है, दोनों तरीके टू द एनिमल्स. तो जो लेफ्ट ओवर होता है इसका ना, फीड कर देन यू कैन डू दैट एंड यू मिक्स इट, मिक्स कर तो इट बिकम्स अ मैन्यूअर. कौन सा वाला नाम है, फार्म यार्ड मैन्यूअर. तो फार्म यार्ड मैन्यूअर से कि आप सब समझिए कि ये फार्म एनिमल्स का होता है. ठीक है, फार्म एनिमल्स का होता है या फिर जो लेफ्ट ओवर चैप्टर होता है उसका. एंड यस, कैटल मैन्यूअर इज स्लो एक्ट, स्लो एक्टिंग. एक्चुअली जो कैटल का जो है ना, कैटल का जो लेफ्ट ओवर, सपोज यू डोंट हैव पावर नहीं यूज कर स्लो कैटल, ओके, सो इसका क्या है, लाइक स्लो प्रोसेस है. ठीक है, जैसे इवन दवाई में भी कोई भी दवाई लाइक लंबा समय लेता है, जैसे आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, आयुर्वेदिक इट माइट अफेक्ट यू लाइक मेक गिव यू रिजल्ट लाइक दिस, लेकिन जल्दी रिजल्ट दे सकता है, लेकिन होम्योपैथिक में थोड़ा समय लेता है, राइट. सो सेम चीज इवन हियर आल्सो ना, ये अच्छा होता है, इट्स गुड फॉर व्हेन यू यूज इट इन द फील्ड, अच्छा होता है, बट स्लो प्रोसेस है. ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है इससे ना, और आप यूज करता है ऐसा फार्म मैन्योर, तो इट्स एक्चुअली स्लो इन प्रोसेस. सो लिसन, स्लो एक्टिंग बल्की ऑर्गेनिक एंड हाउ एवर इट इज अ लो एनालिसिस फर्टिलाइजर obtained from dung and urine of farm animal mixed with litter and all other farm waste. ठीक है, तो like I said just now, in simple भाषा में मैं बोली कि ये slow result देता है. ठीक है, so now on average, so listen here, on average well decomposed this one, well decomposed farm animal manure contain, जो farm animal है ना, फार्मियर मैनेजर होते हैं, इट कॉन्टेन
अगर ये जो प्रेजेंट है इसमें काम है नंबर, ठीक है? तो और लास्ट में क्या है, 0.5% ऑफ योर पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है? सो दिस थ्री आर प्रेजेंट इन फॉर्मिया मैन्यूअल एंड द प्रेजेंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ फॉर्मिया मैन्यूअल बाय फार्मर इज डिटेक्टिव, ठीक है? और जो वेस्ट है ना यूरिन, यूरिन में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 1%, एंड देन पोटेशियम कितना है यूरिन में, discuss, you can leave a text or anything and you can ask me. Okay, so for today it's much. So